छात्रों, आज हम देखने वाले जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है वो आज देखने वाले हैं। लेखक है धर्मवीर भारती। अब देखिए, इसके पहले हमने देखा कि लेखक को जब स्कूल में अच्छे अंक मिले तब उसको दो किताबें मिली, अंग्रेजी की दो किताबें मिली। और दो किताबें मिलने के बाद वो किताबें रखने के लिए पिताजी ने उनको एक अलमारी में जगह तैयार करके दी थी और उसमें उसको कहा था कि अब इस किताबों को तुम इस अलमारी में रखो, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। इतना कहकर बाद में लेखक देखो क्या कहते हैं, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। वह अनुभव कौन सा है वह अभी इस पाठ के द्वारा देखेंगे। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता का देहांत हो चुका था, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए पैसा नहीं था, अतः वही बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। देखिए, उनके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, उसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी होते ही वह वहां जाकर जम जाते थे, वहां जाकर बैठ जाते थे। पिता का देहांत हो चुका था, देहांत का मतलब है मृत्यु। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए पैसा नहीं था, चंदा यानी लाइब्रेरी की फीस। तो लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि पिताजी का देहांत हो चुका था और पैसा कमाने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। तो ऐसे में अतः वही बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। कहाँ जाकर उस लाइब्रेरी में बैठकर वो किताबें पढ़ते रहते थे। छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे, वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। देखिए, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी हुई किताबें हैं। तथा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारिस का विचित्र वीर अर्थात द्वान पिग्जोट। हिंदी भाषा में सारी दुनिया के कथापात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। देखिए, जो लेखक है और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनसे परिचय करना कितना आकर्षक था। यह उनको हरिभुवन नामक एक लाइब्रेरी में जाकर अनुभव हुआ। अभी देखिए, लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते हैं कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि अभी लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। इतना समय तक वो पढ़ते रहते थे। तब बड़ी अनिच्छा से उठता जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी आते थे और बोलते थे कि अभी लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है, तुम उठो और घर जाओ, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। देखिए, इच्छा न होकर भी वो वहां से चले जाते। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता या इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। देखिए, उनकी चाह क्या थी कि अगर इतने पैसे होते तो मैं क्या करता, इस लाइब्रेरी से ये किताब इशू करा लाता, ये किताब मैं अपने पास लेता, इस लाइब्रेरी का सदस्य बनता और इस किताब को अपने पास लेता या फिर इसे खरीद पाता, अपने घर लेकर जाता। एक बार पढ़ता, घर में लेकर जाने के बाद उसे एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। उसे ये भी पता था कि यह क्या है, सपना ही है और सपना ही रहेगा, क्योंकि उनके पास लाइब्रेरी का चंदा चुकाने तक का पैसा नहीं था, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाकर जम जाते थे, वही लाइब्रेरी के किताबें पढ़ते थे। भला कैसे पूरा हो पाएगा यह उनका जो सपना है, वो भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। देहावसान यानी मृत्यु। देखो, देहांत का अर्थ भी मृत्यु और देहावसान का मतलब भी है मृत्यु। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसी खरीदी यह आज तक याद है। साहित्यिक यानी साहित्य संबंधी जो किताब है उन्होंने किस तरह से खरीदी वो उनको आज भी याद है। देखिए वो अनुभव उनका।
उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस साल उन्होंने जो माध्यमिक की परीक्षा है वो उन्होंने पास की थी, इंटरमीडिएट पास किया था। और पुरानी जो पाठ्य पुस्तकें बेचने के लिए सेकेंड हैंड बुक शॉप पर वो गए। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमाघर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली। उस थिएटर में देवदास यह पिक्चर लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ को सिनेमा देखना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि फिल्म देखने से बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चों पर बुरा संस्कार होता है। इसलिए माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, और अपने बच्चे को भी सिनेमा देखने के लिए वो नहीं भेजती थी। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। देवदास पिक्चर के जो गाने हैं वो सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सौगत का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाहीं। उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था, बार बार उसे गुनगुनाते रहते थे, दुख के दिन अब बीतत नाहीं, दुख के दिन अब बीतत नाहीं। यह गाना वो बार बार गुनगुनाते रहते थे, वो गाना उनके कानों में बार बार गूंजता था। देखिए सिनेमा कहाँ लगा है? थिएटर्स में लगा है, और उसके गाने बाहर सुनाई दे रहे थे। इस कारण वो गाना जो है वो बार बार गुनगुनाते रहते थे, दुख के दिन अब बीतत नाहीं। उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था, कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे। न जाने क्यों उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। उनको ही पता नहीं था कि यह गाना गुनगुनाते समय उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। उनको लेखक जब गाना गुनगुना रहा था, तब एक दिन माँ ने सुना कि यह गाना गुनगुना रहा है, दुख के दिन अब बीतत नाहीं। तब माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। माँ को समझ में आया कि यह गाना गुनगुना रहा है वो सिनेमा का गाना है, देवदास सिनेमा का गाना है, और यह उसे बार बार गुनगुना रहा है, तो माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, घोर का मतलब है बहुत ज्यादा, घोर मतलब बहुत ज्यादा। घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। देखो पिक्चर की घोर विरोधी माँ ने क्या कहा कि पैसे मैं दे दूंगी, तुम जाकर सिनेमा सिनेमा देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। देखिए माँ ने जब कहा कि तुम पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी, तब उनके पास जो बचे हुए 2 रुपये थे, 2 रुपये कैसे बचे थे? क्योंकि उसने पुराने जो किताबें थी वो अपने परिचित दुकान पर उसने बेच दी थी, उससे वो 2 रुपये बचे हुए थे। और माँ को कहा, मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। उस समय उसने क्या किया? देखिए पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। परिचित यानी जान पहचान की किताब की दुकान थी। वहां जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। वहां जाकर उसने देखा तो उसे वहां पर एक किताब दिखाई दी, देवदास। लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। देखो उस किताब का दाम केवल 1 रुपया वहां पर लिखा हुआ था, पर यहाँ पर जो किताब है उसका नाम है देवदास, और सिनेमा कौन सा लगा है? देवदास। तो वहां पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर यह किताब अगर लिया तो पढ़ सकते हैं। तो लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, देखिए पुस्तक विक्रेता क्या बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे कमीशन नहीं लूंगा।
देखो वो दुकानदार उसका परिचित था, मतलब जान पहचान वाला था, और इसीलिए वो उससे बोला कि तुमसे मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। जितने इस किताब की कीमत है, मतलब मुझे जिस कीमत पर मिली उस उतना ही तुम दाम दो। पुस्तक की कीमत कितनी थी? 1 रुपया, पर कमीशन के साथ 1 रुपया उस किताब की कीमत थी। पर ये क्या बोला, तुमसे कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। दुकानदार बोला लेखक को कि केवल 10 आने में यह किताब तुम्हें दे दूंगा। मेरा मन पलट गया, पिक्चर की कीमत बहुत ज्यादा थी और इस किताब की कीमत बहुत कम है, तो इस लेखक का जो मन है वो पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर? पिक्चर का टिकट है 1.5 रुपया और इस किताब की कीमत है सिर्फ 10 आने। 1 रुपया जो थी पर कमीशन के साथ थी। अब वो बोला तुमसे कमीशन नहीं लूंगा, सिर्फ 10 आने में तुझे एक किताब मैं दे दूंगा। तभी इस लेखक का मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर? 10 आने में देवदास खरीदी, सिर्फ 10 आने में उसने देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। जो बचे हुए पैसे हैं वो उसने अपने माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। तू इतने जल्दी लौट कैसे आया, क्या तुमने पिक्चर नहीं देखी? तो माँ ने उसे पूछा। नहीं माँ, फिर नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो देखो, पिक्चर मैंने नहीं देखी और यह किताब मैं ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। देखो, माँ ने उसे न चाहकर भी अब सिनेमा देखने के लिए भेजा था, क्योंकि वह अक्सर वो गाना गुनगुनाता रहता था और वो गाना थिएटर्स में लगे हुए देवदास पिक्चर का था। जब उसे पता चला तब उसने क्या किया, उसको लेखक को पिक्चर देखने के लिए भेज दिया था। पर पिक्चर न देखते हुए भी वो वापस वो किताब लेकर आया और पैसे भी बचाए। इस बात को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी, वह मेरे अपने पैसे से खरीदी, मेरे अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। निजी यानी अपनी खुद की। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। देखो यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने किस तरह से अपनी पहली पुस्तक खरीदी, अपने पैसों से पहली पुस्तक खरीदी, इसका अनुभव इस पाठ के द्वारा हमें दिया है। और दुख भरे क्षण उनके जीवन में आए, फिर भी उन्होंने अपना यह सपना किस तरह से पूरा किया, इस पाठ के द्वारा हमने अभी देखा। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभुवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता का देहांत हो चुका था, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए पैसा नहीं था, अतः वही बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे, वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपालकुंडला और आनंदमठ से, तथा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारिस का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विक्सोट। हिंदी भाषा में सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते कि बच्चा आप उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता या इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुकशॉप पर गया।
उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तक खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सरगर का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाहीं, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं, वे 2 रुपये लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहां जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब मैं दे दूंगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। देखिए अभी आपने ये जो पाठ सुना, इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन करो और इस पाठ पर आधारित जो शब्दार्थ है वो पूरे करो, अपने नोटबुक में उसे पूरा करो।